4 मई सन 2024 दिन शनिवार को कतरास तेतुलिया न्यू कॉलोनी स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में इंडी गठबंधन के गिरिडीह प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस व झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित की। राजद के प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव, कांग्रेस के बलराम महतो व झारखंड मुक्ति मोर्चा के अजमल अंसारी ने मीडिया को बताया कि 6 मई सन 2024 दिन सोमवार को सोनारडी से कार्यकर्ता इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के नामांकन के समर्थन में बोकारो जाएंगे। प्रेस वार्ता में रतिलाल टुड्डू, परदेशी यादव, पप्पू दुबे, बीजू साहब, बीरू दसौधी, परेश दसौधी, सोनू राय, सोनू शर्मा, अनुराग राजगढ़िया और संजीव पांडे इत्यादि उपस्थित थे। आइए विस्तार से जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव से। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह था कि 6 तारीख को गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी माननीय विधायक श्री मथुरा महतो जी का नॉमिनेशन है, उसी संदर्भ में हम लोग आम लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए प्रेस का सहारा लिए, ताकि उस दिन काफ़ी से काफ़ी संख्या में लोग श्री मथुरा प्रसाद महतो के नॉमिनेशन में बोकारो सम्मिलित हो सके। आप लोग का मोटो क्या है अभी, मैंने किस मुद्दे पर आप लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को गाली दे करके नहीं वोट मांगना है। अच्छा, अपने मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में वोट मांगना है। आपका मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, पानी और डीवी से द्वारा अघोषित बिजली कटौती का, यही सब मुख्य मुद्दे हम लोग के। अच्छा, तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मथुरा जी जा रहे हैं कल 6 तारीख? हाँ, कल भाई, कल 6 तारीख है ना? जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे इधर? आपने कुछ क्या कहना चाहेंगे? उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके संबंध में कुछ? प्रतिद्वंदी की हम लोग अपनी चर्चा करें, प्रतिद्वंदी अपनी चर्चा करें, हम अपनी चर्चा। हम लोग का तौर तरीका अलग है, हम लोग किसी को गाली दे करके वोट नहीं लेना चाहते। हम लोग जो है जनता से विश्वास और प्यार से वोट लेना चाहते हैं। अच्छा, उनका काम है इंडिया गठबंधन को, हमारे बड़े छोटे नेताओं को गाली दे के वोट मांगना उनका काम है, मेरा काम नहीं। आपका केंद्रीय स्तर पर किस तरह का विचार रखते हैं? केंद्रीय स्तर पर तो उतना हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम लोग अपने क्षेत्र में जनता से जुड़े रहते हैं, उनके दुख सुख में। बाकी केंद्रीय स्तर पर हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग अपना विचार रखेंगे और रखते हैं। नहीं तो फिर भी जैसे कि आपका जो गठबंधन है इसमें प्रधानमंत्री के रूप में भी किसी का चेहरा नहीं आया है सामने? वो बड़े ऊंचे लेवल की चीज़ है, चुनाव बीतेगा, बैठेंगे लोग, सभी लोग जिनकी सीटें अधिक आएंगी नियमतः, तो उसी को जो है प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में कैसा संभावना है? हम लोग अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।